जय हिंद दोस्तों मैं हूँ राकेश हो जी दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सी पैरामेडिकल स्टाफ में जो ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं यानी कि कांस्टेबल सफाई कर्मचारी से कुक से वाशरमैन से वाटर कैरियर से मसालची से यानी कि कांस्टेबल रैंक जितनी भी ट्रेड्स हैं उनका प्रमोशन किस प्रकार से होता है एक रैंक से दूसरी रैंक में पहुंचने के लिए कितना टाइम मिलता है लास्ट प्रमोशन किस रैंक तक होता है यानी कि प्रमोशन के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि तो इस चैनल के ऊपर फोर्स संबंधित इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं तो दोस्तों सी में पैरामेडिकल स्टाफ में जो ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं इनका प्रमोशन होता है लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं यानी कि सी में जो ट्रेड्स की वैकेंसी निकलती हैं कुक वगैरह वाटर कैरियर वाशरमैन सफाई कर्मचारी मसाल इनकी जो भर्ती निकलती है उन ट्रेड्स का प्रमोशन नहीं होता है लेकिन इसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनका प्रमोशन होता है तो इनका प्रमोशन किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि तो कई भाई कमेंट कर रहे थे कि सर पैरामेडिकल स्टाफ के प्रमोशन के बारे में थोड़ी जानकारी दें तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ तो दोस्तों जो ट्रेड्स मैन हैं चाहे आप किसी भी ट्रेड से चाहे आप सफाई कर्मचारी से हैं कुक से हैं किसी भी ट्रेड से हैं तो आपका जो पहला प्रमोशन होता है उसके लिए मिनिमम से मिनिमम पाँच से सात साल आपकी लगती है तो पाँच से सात साल आपकी जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको प्रमोशन के लिए कोर्स करना पड़ता है क्योंकि पहले तो आप ट्रेड्स थे आपने ट्रेड्स से आप भर्ती हुए तो उसके बाद अगर आपको प्रमोशन प्राप्त करना तो आपकी ट्रेड चेंज हो जाती है तो ट्रेड चेंज होगी तो आपको जिस ट्रेड पर जाना है आपको उस हिसाब से उसका आपको कोर्स करना पड़ेगा तो आपको जो ये फर्स्ट एड का कोर्स कराना पड़ता है फर्स्ट एड का कोर्स आपका जब हो जाता है तो आप वार्ड बॉय में आपकी जो ट्रेड होती है कन्वर्ट हो जाती है यानी कि आप जिस ट्रेड से थे तो उस ट्रेड को हट के और आप वार्ड बॉय में कन्वर्ट हो गए तो से आप सफाई कर्मचारी से कुक से हैं वाटर कैरियर से हैं उसके बाद आपकी वो ट्रेड हट गई उसके बाद आप सभी वार्ड बॉय हो गए मान लो आप दो जवान एक साथ लगते सफाई कर्मचारी से भरते कुक से भरती हुआ लेकिन जब आप ट्रेडमैन थे तो उस टाइम पे तो आपका अलग अलग काम हो गया भाई वार्ड बॉय का अलग काम उसका सफाई कर्मचारी का अलग काम हो गया कुक का अलग काम हो गया लेकिन जैसे ही आपका प्रमोशन हो गया आप वार्ड बॉय बन गई दोनों का काम सेम हो गया आपकी जो ट्रेड है वो हट गई आपको अपनी ट्रेड का काम नहीं करना है तो जो वार्ड बॉय का जो काम होता है वार्ड बॉय की जो ड्यूटीज होती है वो आपको जैसे डॉक्टर की हेल्प करना है पेशेंट को कोई छोटी मोटी टैबलेट्स वगैरह देनी है या उसको पेशेंट से संबंध डॉक्टर आपको कुछ सुझाव देता है कोई आदेश देता है वो आपको करना होता है तो ये अलग प्रमोशन आपका वार्ड बॉय होता है मिनिमम पाँच से सात साल आपको लगता है इससे ज्यादा भी समय लग जाता है क्योंकि अभी तो प्रमोशन वार्ड बॉय में, में लेट ही चल रहा है क्योंकि मेरे को दो हज़ार से वार्ड बॉय नहीं बने हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो थे उनका अभी प्रमोशन नहीं हुआ है लगभग दस साल के समथिंग हो गया है अभी उनका प्रमोशन लिस्ट निकली थी लेकिन कोरोना के चक्कर में उनका प्रमोशन अभी नहीं हुआ है लेकिन पाँच सात साल में लगभग मिनिमम इतना हो जाता है इसके बाद में वार्ड बॉय के बाद में जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो जैसे आप वार्ड बॉय के अंदर पाँच से सात साल आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो आप कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते हैं फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट की ड्यूटीज़ करते हैं वार्ड बॉय आपसे जूनियर होते हैं और आप उनके ऊपर सीनियर की तरह काम करते हैं डॉक्टर के आदेशों का आप जैसे नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट बनने के बाद में आपकी जो अगला प्रमोशन होता है जैसे आपको प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आपको कोर्स भी करना पड़ता है उसी प्रकार के आपको जानकारी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको वो काम सिखाया जाता है उसके बाद कॉन्स्टेबल के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है हेड कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यानी कि आप हवलदार मेजर बन जाते हैं और इस कार्रवाई में आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम बीस से पच्चीस साल आपकी सर्विस हो जाती है तो आपको हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते हैं तो हेड कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के अंडर में कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट वार्ड बॉय और ये पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हैं इसके बाद में जो आपकी हेड कॉन्स्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के बाद में अगला प्रमोशन आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में आपको प्रमोशन मिलते हैं। आपका एक स्टार कंधे पे लग जाता है और आप जहाँ तक लास्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो एएसआई तक ये जवान पूरी अगर आप पूरी ड्यूटीज़ करते हैं यानी कि आपकी पूरी सर्विस में आप नौकरी करते पेंशन नहीं जाते हैं तब आप इस रैंक तक पहुंचते हैं एएसआई तक अगर आप पहले 20 साल में अगर लगभग आप जाओगे रिटायर तो 20 साल में आप ए कॉन्स्टेबल तक नर्सिंग असिस्टेंट तक आप रहते हैं अगर इससे ज़्यादा आप नौकरी करते हैं तो उसी हिसाब से फिर आपका नौकरी पे डिपेंड करेगा आप कितने दिन नौकरी करते हो तो उसी हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा लेकिन अगर आप पूरी सर्विस नौकरी कर जाते हैं तो आप लास्ट रैंक ए तक आप आसानी से पहुँच जाते हैं तो जहाँ तक मैं एस से ऊपर अगला प्रमोशन होना बहुत ही मुश्किल होता है आपकी जो लास्ट प्रमोशन रैंक होती है वो ए की रैंक ही होती है दोस्तों इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ से संबंध में अगर आपको किसी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता देना कि सर इस संबंध में वीडियो बनाइए और अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और इस वीडियो के संबंध में अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जय हिंद